हेलो एवरीवन आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है आज मैं क्लास टेन के बच्चों के लिए सैम्पल पेपर लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी एम का सैंपल पेपर रहूँगी और ये सैम्पल पेपर हमारा पहला रहेगा ठीक है इसके बाद मैं सैम्पल पेपर टू एंड थ्री भी दूँगी और ये जो तीन सैम्पल पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ इसे आप लोगों को सॉल्व करना ही है और जो भी क्वेश्चन मैं पुटअप करूँगी वो आप लोगों के एग्ज़ाम के एनुअल एग्जाम और प्लस प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे ठीक है तो लास्ट मोमेंट पे आपको जो प्रिपरेशन करने में जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए ये मैंने बनाया है ठीक है ताकि आप लोग कम समय में अच्छा प्रिपरेशन कर सको ठीक है तो ये देखिए प्रिपेयर्ड बाय सारस ट्यूटोरियल सैम्पल पेपर फॉर एनसोइंग एग्जामिनेशन ट्वेंटी 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 टू सब एम आई एल हिंदी ठीक है इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए ये हंड्रेड मार्क्स का पेपर है ठीक है एज़ वी नो आप लोगों का एम आई एल हिंदी आ, हिंदी एम आई एल हंड्रेड मार्क्स का ही रहेगा और प्लस कि यहाँ पे जो भी मैंने चैप्टर्स लिए हैं वो आप लोगों का एनुअल पोर्शन ही है ठीक है या प्री बोर्ड जो आप लोगों का एनुअल पोर्शन है वही आप लोगों का प्री बोर्ड सिलेबस भी है ठीक है अगर आप लोगों को सिलेबस में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा मैं सिलेबस आप लोगों को एक बार फिर से प्रोवाइड कर दूंगी ठीक है और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ठीक है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए ठीक है यहाँ पे प्रश्नों के होगा को लिखा हुआ है ठीक है इसे देख लीजिएगा यहाँ पे एट क्वेश्चन है फॉर एट मार्क्स ठीक है पहला क्वेश्चन है हिंदुओं को कौन प्यारे होते हैं दूसरा है संध्या को विरामदायी क्यों कहा गया है देन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब और कहाँ हुआ था ठीक है एकलव्य कौन था फिर अफसर नामक पाठ किस प्रकार की रचना है देन अफ्सर आपकी गलतियों का क्या मांगता है देन क्वेश्चन नंबर सेवन है िका ने पहला ईमेल किसे भेजा था इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट है स्ट्री पत्थर किस समय तोड़ रही थी ठीक है तो ये वन मार्क्स के लिए आपका एट क्वेश्चन है ठीक है फॉर एट मार्क्स ठीक है अब हम लोग बैठते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए ठीक है ये दो मार्क्स के लिए रहेगा और यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन है तो टोटल ट्वेल्व मार्क्स पहला क्वेश्चन है पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है ठीक है दूसरा है कविदास के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पा लेता है देन निरानंद है कौन दिशा कविता की इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि का क्या आशय है ठीक है देन क्वेश्चन नंबर घ है दो का मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने के लिए कौन से गुण आवश्यक है ठीक है देन क्वेश्चन नंबर अंग है अफसर को उसकी पत्नी और बच्चे कैसे लगते हैं देन क्वेश्चन नंबर छः है, uh, है निहारिका ने दक्षिण भारत की सैर की तैयारी में अपने कंप्यूटर से किस प्रकार मदद ली ठीक है देन क्वेश्चन नंबर छः है राजा हरिश्चंद्र की प्रतिज्ञा क्या थी तो यहाँ पे देखिए टू मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है ठीक है सिक्स क्वेश्चन है आप लोगों का और ट्वेल्व मार्क्स रहेगा और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि मैं आप लोगों को जो भी प्रोवाइड करती हूँ वो मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है मैं ऐसे ही कुछ भी आप लोगों को नहीं देती जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो जो आप लोगों के काम आए वही चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ ठीक है तो ये जो भी क्वेश्चन है आप लोग प्लीज़ देखिए और इसे सॉल्व कीजिए और हो सके तो मतलब क्वेश्चनस को नोट डाउन कर लीजिए ठीक है इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थ्री निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त तो उत्तर दो किन्हीं चार का ठीक है ये थ्री मार्क्स के लिए रहेगा टोटल फोर क्वेश्चन है ट्वेल्व मार्क्स ठीक है यहाँ पे क्वेश्चन मैंने सिक्स क्वेश्चन दिए हैं फाइव क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आप लोगों को फोर के आंसर्स करने हैं पहला क्वेश्चन है मनुष्य और दास में क्या अंतर है पठित पाठ के आधार पर बताइए ठीक है दूसरा है तुर्ती पत्र कविता का प्रतिपाद लिखिए देन ग नंबर है नियति को नटी क्यों कहा गया है उसके कार्यकलापों का वर्णन कीजिए ठीक है इसके बाद है घ नंबर पाठ के आधार पर अवसर की चारित्रिक विशेषताएं बताएंगे ठीक है देन है कंप्यूटर के उपयोग से निहारिका को क्या क्या लाभ हुआ अपने शब्दों में लिखिए ठीक है तो यहाँ पर मैंने पाँच क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से आप लोगों को फोर क्वेश्चन करने हैं ठीक है ये हमारा पहला सैंपल पेपर है मैं आप लोगों को थ्री सैम्पल पेपर दूंगी ठीक है और ये तीन अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व करते हो तो डेफ़िनेटली आप लोगों का एट्टी प्लस मार्क्स जाएगा ही अगर आप लोग अच्छे हो आप लोगों का मतलब हिंदी अच्छा है स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होता है ज़्यादा तो डेफिनेटली एट्टी प्लस मार्क्स आप ले करके आओगे ठीक है इसके बाद देखिए फोर नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के समयक उत्तर दीजिए ठीक है यहाँ पे दो क्वेश्चन है फॉर एट मार्क्स लेखक ने महाराणा प्रताप और राजा हरिश्चंद्र के उदाहरणों से उदाहरणों के माध्यम से क्या समझाना चाहा है ठीक है दूसरा है कंप्यूटर हमारे लिए वरदान है या अभिशाप सोच समझकर एक लेख प्रस्तुत कीजिए अथवा अफसर सब जगह है वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है ठीक है ये जो क्वेश्चन नंबर ख है इसके ऑप्शन में ये दिया है मैंने अफसर सब जगह है वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी या तो आप ये कीजिए या फिर ये कीजिए कंप्यूटर हमारे लिए वरदान है या अभिशाप सो समझकर एक लेख प्रस्तुत कीजिए ठीक है इसके बाद है हमारा सब प्रसंग व्याख्या कीजिए ये वन uh, क्वेश्चन है फॉर फाइव मार्क्स ठीक है आप लोगों का व्याख्या जो होगा फाइव मार्क्स का ही आएगा तो पहला क्वेश्चन है हिंदू कहे मोहि राम प्यारा तुर्ग कहे रहमाना ठीक है रहिमाना, वो जो लाइन है सेकेंड वाला जो हमारा दुहा है ठीक है कबीरदास का उसकी जो लाइन है सहज सहज समाना तक आपको इसका सब प्रसंग व्याख्या करना है या फिर इसके ऑप्शन में दिया है मैंने है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर ठीक है तो ये रहा आप लोगों का सप्रसंग व्याख्या कोई एक आपको करना है ठीक है इसके बाद है व्याकरण और रचना व्याकरण और रचना में देखते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो ठीक है ये है असुर गंगा बेटा सवेरा पर्यायवाची विलोम शब्द इन सब का मैंने मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखा ही हुआ है ऑलरेडी हाफ एयर के टाइम पे मैंने निकाला था अगर आप लोगों को एनुअल का अलग से चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कमें कीजिएगा वरना आप लोग उससे उसे भी अगर आप फॉलो करते हो तो आ, मतलब वो सब भी आप लोगों के लिए सफिसेंट है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के विलोम शब्द लिखो ठीक है दो मार्क्स के लिए अवनति आरोह विश और झूठ ठीक है देन है क्वेश्चन नंबर एट निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द जोड़ो के अर्थ का अंतर स्पष्ट करो ठीक है जलत, जलज भिक्षु भिक्षुक भवन भुवन नीर नीर ये सारा आप लोगों को मतलब ग्रामर का हर एक टॉपिक कवर किया गया है चैनल पे, तो आप लोग प्लीज़ देखिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबका ठीक है इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन निम्नलिखित में से किन्हीं दो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो नमक मिर्च लगाना बाएं हाथ का खेल डालना गलना और गले का हार ठीक है इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर टेन सामासिक पदों का विग्रह कर समाज के भेद बताओ इस बार आप लोगों का समझ भी आएगा ठीक है तो राम लक्ष्मण घर नील गाय पीताम्बर ठीक है समाज क्या होता है समाज का विग्रह कैसे करते हैं और समाज को पहचानते कैसे हैं मैंने सारा ही चैनल पे दिया हुआ है ट्रिक के साथ आप लोग प्लीज़ देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द समूह के लिए एक एक शब्द दो जो नृत्य करता है जो स्त्री कविता लिखती है जो सृष्टि करता है जिसका कोई अंत ना हो ठीक है इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व निम्नलिखित वाक्य को निर्देश अनुसार परिवर्तित करो ठीक है जो परिश्रमी है वह व्यक्ति सफल होता है इसे सरल वाक्य में बनाओ ठीक है सरल वाक्य में इसे परिवर्तित करना है दूसरा है सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे संयुक्त वाक्य में इसे बदलना है ठीक है ये टू टू क्वेश्चन टू मार्क्स के लिए इसके बाद है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्य को शुद्ध करो ठीक है तो ये वाक्य शुद्धि का मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है वन इंटू टू ठीक है राम के अनेकों नाम है, तुम तुम्हारे घर जाओ पिताजी आप जाओ वह लोग आ गए ठीक है इसके बाद है हमारा परिपूरक पाठ्य पुस्तक एज वी नो कि हमारा जो परिपूरक पाठ्य पुस्तक है उसमें से टेन मार्क्स आएगा और किन्हीं दो लेशन को हमें करना है तो लास्ट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी में इस तरीके से क्वेश्चन किया गया था और इस ईयर भी जो हमारा असेसमेंट एग्जामिनेशन हुआ है या एनुअल का हुआ है असेसमेंट बेसिकली उसमें इस टाइप के ही क्वेश्चन आए हैं और हाफ ईयरली में भी मोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप के ही क्वेश्चन आए बट इसके अलावा भी मैं और भी कुछ पैटर्न्स दे दूंगी क्वेश्चन जो चांसेस है पूछने के ठीक है वो मैं सेपरेट एक वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी पहला देखिए पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्र में असम में सनिविस्ट किन्हीं दो जनगोष्ठियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए टू प्लस टू फोर मार्क्स ठीक है देन पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ वैचित्र में असम में सनिविस्ट किन्हीं तीन जनगोष्ठियों को योगदान देने वाले एक एक व्यक्ति पर टिप्पणी लिखिए ठीक है टू इंटू थ्री सिक्स मार्क्स इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी हेतु तुम्हें चिकित्सालय तु, जाना तु, पड़ा है चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल ठीक है इसे सूचित करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखो ठीक है और इसके ऑप्शन में परीक्षा के बाद तुम्हें क्या पढ़ना है उसकी जानकारी देते हुए अपने मामा जी को एक पत्र लिखो ठीक है यह पत्र लेखन फाइव मार्क्स का इसके बाद है हमारा ग्रुप बी खंड है इसमें देखिए यह हमारा बोर्डित और अमीर खुश की भारत भक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस है ठीक है तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है शंकरदेव के जीवन का तृतीय स्तंभ किसे कहा गया है वन मार्क्स के लिए शंकरदेव के अनुसार सार तत्व क्या है टू मार्क्स अमीर खुशो का जन्म कहाँ हुआ था वन मार्क्स हिंदुस्तान को अमीर खुशो ने महान क्यों माना है थ्री मार्क्स ठीक है भारत की किन किन वस्तुओं की प्रशंसा अमीर खुशो ने की है थ्री मार्क्स या है भक्ति ताहे मुक्ति भक्ति ये तत्व जाना भावार्थ लिखे फोर मार्क्स ठीक है और अमीर खुशो के गुरु का नाम क्या था वन मार्क्स ठीक है इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर एटीन किसी भी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए तो अनुच्छेद के ऊपर भी वीडियो है ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट अनुशासन और विद्यार्थी अपना हाथ जगन्नाथ और कोरोना संक्रमण और हाँ कोरोना संक्रमण में आप लोगों को अभी जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन ठीक है उससे रिलेटेड चीज़ें भी आप लोग पढ़ लीजिए अगर आप लोग नहीं लिख सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कर, आ, कमेंट कर दीजिएगा मैं आप लोगों को ओमिक्रन के ऊपर भी बना करके दे दूँगी ठीक है इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन यमक अथवा उपमा अलंकार का सौधारण परिचय प्रस्तुत करो फोर मार्क्स ठीक है टू टू मार्क्स के लिए आएगा टोटल फोर मार्क्स ठीक है पसंद आए तो प्लीज़ सारा टीटोरियल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ठीक है इसके अलावा मैं इसका पी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल करके आप सॉल्व कीजिए और जितना हो सके मैं आप लोगों को हेल्प करूँगी ही और साथ में जो मैंने सोशल का और हिंदी का फिफ्टी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन दिया है उसका भी पीडीएफ निकाल के आप लोग सॉल्व कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और कुछ भी हेल्प लगता है तो मेरे चैनल पे कमेंट कीजिए मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगी ठीक है तो चलिए तब तक के लिए बाय टेक केयर Bye.